अम्बा का मंदिर है गुल्डी वाली रोड में, यहाँ से होके आगे जाना है। अब भी जा रहे हैं लोग। सेवा में लगी हुई प्रसाद लेके नंदनी मृग मद सोहे भोले शशिधारी ओम जय शिव ओम का कैसी मजा आई बता बता, ऐसी मजा आई। हाँ। अकिटो की बॉडी क्या है? बॉडी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। अच्छा किट्टू के जब नाक पे पानी घुसते तो कैसे करता? किट्टू कस कस करता नाक पानी घुसते जब? अच्छा 12 बजे फ्रेंड्स, मुझे याद आई कि मैंने सावन की महीने की मेहंदी तो मैंने लगाई नहीं, तो अब जाके खड़ी उठी मैंने लगाई और किट्टू के साथ मैंने सिंपल ही लगाई। किट्टू मुझे बहुत परेशान करता है, अभी तक नहीं सोया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है महादेव का दिन और सोमवार। आज है 12 अगस्त, अभी बज रही है सुबह की 9 और सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखा लेती हूँ चंबा का। मौसम आज बारिश नहीं हुई है और हल्के हल्के बादल भी लगे हैं और हल्की धूप है। किट्टू के पजामे मैंने धो दिए हैं। हमेशा की तरह मैंने किट्टू को रात में ही नहला दिया था और मैं नहा के आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ मंदिर महादेव के, और मंदिर में साड़ी ही अच्छी लगती है। तो सावन का महीना है फ्रेंड्स, तो मैं पहन रही हूँ ग्रीन रंग की साड़ी और ये मेरी न्यू साड़ी है। पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा नेगी और मैं हूँ उत्तराखंड टिहरी से, और मेरा ससुराल है कुमाली गांव और मैं रहती हूँ चंबा किट्टू के साथ। जैसा कि आपको पता है आजकल सावन के सोमवार व्रत चल रहे हैं और आज है चौथा सोमवार। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं सावन के सोमवार के व्रत रखती हूँ और आज है चौथा सोमवार। तो सावन के चौथे सोमवार में मैं चढ़ाने जा रही हूँ जल, और मैंने भी महादेव के दर्शन नहीं करे और मैंने जल नहीं चढ़ाया। किट्टू के साथ बहुत परेशानी हो जाती है और सुबह से आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे कमर में सटका बिल्कुल भी कमर से ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। मैंने उठ के सुबह सफाई सुफाई और किट्टू के कपड़े बहुत सारे काम करे और तब जाके मैं अब नहा के तैयार हो गई हूँ। और मैंने ली थी मीशो से ये ग्रीन कलर की साड़ी, और ये डार्क ग्रीन नहीं है, हल्की ग्रीन है। तो कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैंने चौथे सोमवार में ही लगाई मेहंदी, किट्टू के साथ नहीं हो पाता है तो सिंपल ही मेहंदी लगाई मैंने। किस तरीके से है चंबा का मंदिर, तो सबसे पहली बार मैं जा रही हूँ और मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी कि चंबा का मंदिर। वैसे तो शिव का एक ही रूप है पर मंदिर अलग अलग को मैं तैयार कर देती हूँ। तो अब जाके मैं तैयार हुई हूँ।
मन था फ्रेंड्स कोटेश्वर जाने का, पर बारिश इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, जगह जगह पानी आ रहा है, पानी भर रहा है, तो इस वजह से मैं इस बार कोटेश्वर मंदिर नहीं जा पाई। मैं शिव से प्रार्थना करूँगी कि मैं जल्दी ही कोटेश्वर मंदिर आऊँगी और आपके दर्शन करूँगी किट्टू के साथ, ये तो किट्टू के पापा के साथ। इसलिए तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक आप ब्लॉग में बने रहे। क्या हुआ, तेल नहीं लगाना था? तो फ्रेंड्स किट्टू हुआ था ऑपरेशन द्वारा और मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, आज मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, इसने भी बहुत परेशान कर रखा। कुछ नहीं दर्द है, तुमने बहुत परेशान किया मुझे आज। ले नीचे ये, हाँ गुस्सा हो गया। अम्बा का मंदिर है गुल्डी वाली रोड में, यहाँ से होके आगे जाना है। गुस्सा हो गया कि तूने मार खाई, थप्पड़ खाई, आ ही नहीं रहा था। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, थोड़ा और आगे है, पीछे से किट्टू 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 गाड़ी चल। साड़ी में बहुत वो हो रही, अब भी जा रहे हैं लोग। श्याम को टाइम हो गया, श्याम की 4 बज गई, बहुत सारे लोग जा रहे, बहुत भीड़ थी। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं चंबा के मंदिर में, तो मैं दिखाती हूँ पास से। हडम का मंदिर पहुंचने में किट्टू के साथ मुझे 25-30 मिनट का रास्ता लगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ कहीं भी आई हूँ? रख, मामा भी उतारी है ना, जल्दी चाय बना लेना, ठीक है? हाँ, चाय बना लेना। नंदी बैल दे दो, मैं पैसे दूंगी आपको। कोई बात नहीं, नहीं फ्री में नहीं देते।
ये तो आंच अब क्या हुआ तेरे को मेरे ऊपर में चढ़ माथा टेकना है जल्दी जल्दी ये टेकना क्या बात है ऐसे करते ऐसे ओम ओम पैसे खो दिए दूसरे चढ़ा दे दूसरे लेंगे सेवा में लगी फाइनली फ्रेंड्स मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही शांति मिली मुझे मंदिर में आके तो आपने भी फ्रेंड्स मंदिर के दर्शन कर लिए होंगे तेरे थोड़े हनुमान की तरह चल रहा हनुमान मेरा हनुमान दो 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 ये ये गिर गया जल्दी मैं घर जा रही हूँ सब यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं
पोज मार रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है, किट्टू और मैंने भी फोटो खींच ली थी दो चार, और आते समय मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बंदर जगह जगह में बैठे थे और थैले छीन लेते हैं बंदर, तो इसलिए मैं घर आ गई। चादर मैंने बिछा दी, दूसरी चादर मैंने किट्टू को लुंगी पहना दी। आज सो जा, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। नंदनी मृग मद सोहे भोले शशि धारी, ओम जय शिवा ओंकारा, ओम जय शिवा ओंकारा, भोले हरा शिवा ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अरे देवी देवी प्रश्नानि तिहारे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगद्धरिस्या, प्रसिद्ध देवी 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 चराचरस्या। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय, बोलो माँ पार्वती माता की जय। गलती सत्य तो शिव की पुजारन रहूंगी, ओ मैं तो भोले की पुजारन रहूंगी, तेरे सर पे आसमां का भोले तेरा हार, तेरे लिए है सबसे प्यारी सुन। किट्टू सो गया, खाना मैंने आधा बना दिया है, आधा अभी रोटियां बनाने के लिए हैं, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये है फ्रेंड्स घर के कूटे हुए चावल, ये मेरे फ्रेंड ने दिए हैं, और थोड़ा ही बनाऊंगी मैं, ज़्यादा खीर अच्छी नहीं होती है। मनीषा रावत है उसका नाम, मेरी फ्रेंड ने दी, क्लासमेट है मेरी, तो मैं उसको धोती हूँ। और इसमें उबल गए हैं आलू, चावल को मैंने दो तीन पानी से धो दिया है, सौंड की मैंने की खीर जरूर बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये पकती रही कम आँच पे आलू, दूध इसी में था फ्रेंड्स, तो मैंने इंडक्शन में ही रख दिया, चावल पक चुके हैं, पतीली में पक गए हैं, इसे कम आंच में बंद कर दिया। तो बड़े आलू हैं ये घर के, आलू दो सीटियों पर पहुंचे, लगा दिया मैंने उसको और प्रसाद दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज का व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, शिव जी आप सबके घर में प्रवेश करें और सबकी मन्नत इस सावन में पूरी हो, यही शिव जी से मैं प्रार्थना करती हूँ।
तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं मनीषा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय देव उत्तराखंड।